हेलो गाइज, वन सेकेंड वेलकम टू माफ्सा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फिर से हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश लिटरेचर बुक, टेक्स्ट बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। तो उसका चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ेंगे 7। तो 7 में चैप्टर का नाम है ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्सेस का मतलब होता है झलक, माने हिंदुस्तान की एक झलक। ये पूरा चैप्टर का नाम है। इसमें 3 पार्ट है। इससे पहले के वीडियो में मैंने बेकर फ्रॉम गोवा मैंने बता दिया था, तो दूसरा को मैं हम लोग बाद में करेंगे। तो ये तीसरा जो है, तीसरा पार्ट आज पढ़ेंगे, मतलब टी फ्रॉम आसाम, जिसका राइटर है अनूप कुमार दत्ता। क्लास 10 CBSE जैक बोर्ड और सारे स्टेट बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिए और आपको पूरा स्टोरी समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 7 ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया पार्ट 3 टी फ्रॉम आसाम। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ट्रेलर है। ट्रेलर में क्या है, प्रांजोल एक कैरेक्टर है, यंगस्टर फ्रॉम आसाम, आसाम का नौजवान लड़का है, इज ए राजवीर क्लासमेट इन एट स्कूल इन दिल्ली। तो प्रांजोल जो है राजवीर का दोस्त है दिल्ली में स्कूल में, समझ रहे बच्चे लोग, यानी कि प्रांजोल और राजवीर दोनों दोस्त है, लेकिन प्रांजोल कहाँ का है, आसाम का है, और राजवीर कहाँ का है, दिल्ली का ही है ना, दोनों दिल्ली का ही स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। प्रांजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ ए टी गार्डन इन अपर आसाम। तो बड़ा प्रांजोल का जो पापा है वो अपर आसाम का है ना टी गार्डन, चाय का गार्डन में क्या मैनेजर है। अपर आसाम मैंने समझ रहे कि नहीं, हम लोग जैसे कोई गांव जाते हैं चौड़ा गांव, तो ऊपर कुल ही है ना, नामों कुल ही रहता है कि नहीं, वैसे आसाम में है अपर आसाम और लोअर आसाम है, ठीक है बच्चों। एंड ए प्रांजोल हैड इन्वाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। तो प्रांजोल का फादर क्या मैनेजर है चाय का गार्डन, कहाँ, अपर आसाम में, ऊपर कुली जो आसाम में। एंड प्रांजोल हैज इन्वाइटेड राजवीर, तो प्रांजोल जो है अपना दोस्त राजवीर को इन्वाइट किया टू विजिट हिज होम, है ना, कि मेरा घर चलो साथ में घूमने के लिए समर वेकेशन, गर्मी का छुट्टी में, दोनों दोस्त भी है जाएंगे, इसके पापा दोनों फैमिली में बातचीत हुआ आराम से, पापा रिसीव करने भी आएंगे, है ना। तो चलिए ये ट्रेलर था, चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स कैन वी स्टार्ट, चाय गरम, चाय गरम, गरम चाय। अ वेंडर कॉल आउट इन ए हाई पिच वॉइस, एक जो है ना मतलब दुकानदार क्या हो गया कि आवाज़ दे रहा था, ऊंचा आवाज़ दे रहा था। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क, तो वो खिड़की में आके पूछ रहा था, है ना, खिड़की का आके पूछ रहा था कि चाय साहब, चाय चाहिए, गिव अस 2 कप्स। प्रांजल सर, प्रांजल बोला कि 2 कप चाहिए, मतलब हम लोग को ये ट्रेलर में ही पता चल गया, क्या पता चल गया है कि लोग दोनों दोस्त था, बात समझे ना, दोस्त था तो है ना, गर्मी का छुट्टी आ गया, लोग निकल गया, अभी लोग कहाँ पर, ये ट्रेन में आसाम, दिल्ली से निकला ट्रेन से, कहाँ जा रहा है लोग, आसाम, पहुँचा कि नहीं अभी, नहीं अभी जस्ट चढ़ा है। द स्टीप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, अभी लोग जो है ना गर्म गर्म हॉट लिक्विड को चाय पीने लगे। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी, लगभग उस कंपार्टमेंट में ट्रेन के डिब्बे में लगभग हर कोई चाय पी रहा था, ठीक है। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो राजवीर दिल्ली का है वो बोल रहा, बात समझे, किसको, अपना दोस्त प्रांजोल को बोल रहा, प्रांजोल कहाँ का है, आसाम का है, ठीक है। तो राजवीर बोलता कि तुमको पता है, बोरा पूरा दुनिया में 80 करोड़ कप जो है ना चाय पिया जाता एक दिन में, एक दिन में कितना कप चाय पिया जाता, अरे सच बात भी है, ये स्टोरी में 80 करोड़ लिखा, अभी ज़्यादा होगा 150 करोड़ तक, ठीक है, क्योंकि एक दिन में एक इंसान तो 4-5 कप चाय पी लेता है ना, माने ये क्या नाम, कप में या फिर मिट्टी का कुल्हड़ में, वो बात हो रहा, घर वाला को माइनस करके। होए, एक्सक्लेम प्रांजल, प्रांजल वाह, टी रियली इज वो वेरी बोल, अरे चाय तो बड़ा फेमस है। द ट्रेन पुल आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन मैंने स्टेशन छूट के निकल गया, मैंने ट्रेन चालू हो गया। प्रांजोल ब्यूरिड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन, प्रांजोल जो है ना क्या कर रहा था, जासूस वाला कहानी पढ़ रहा था, फिर अपना नाक को उस कहानी का बुक में घुसेड़ दिया। राजवीर टू वॉज एन एडेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी, राजवीर भी जो है ना जासूस का स्टोरी पढ़ने में उसको भी शौक था, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी, लेकिन आज ऐसा दिन था, ये तो ट्रेन का सफ़र उतना किया नहीं था, बस आज इसके पास मौका था, ये खिड़की है ना, खिड़की से झांक कर क्या था, बाहर का नज़ारा जो सीनरी है, बेहद खूबसूरत जो मंजर है, नज़ारा है, उसका मज़ा ले रहा था, समझ रहे बच्चों। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, इतना हरियाली राजवीर इससे पहले ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था।
देन ही सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। तो फिर धीरे धीरे ना धान का खेत आया, पूरा हरा हरा धान का खेत, जितना दूर नजर जा रहा धान का खेत। फिर वो ख़त्म हुआ, अब चाय का झाड़ी, चाय का जो होता ना पेड़ होता है उसका झाड़ी पूरा दिखाई देने लगा। ठीक है बच्चों, आ रहा समझ में? यस नो? इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, बेहद ही शानदार नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच एज फार एज द आई कुड सी। तो घने पेड़ वाली पहाड़ी का है ना, उधर जितना भी दूर जहाँ तक नज़र जा रहा था है ना, चाय की झाड़ी का एक समुंदर सा फैला, मतलब जहाँ तक नज़र जा रहा क्या दिख रहा था है ना, चाय का पेड़ पूरा, चाय का बागान पूरा दिख रहा था। डाफिंग द टीनी टी प्लांट वेर टॉल स्टडी सेट ट्रीज एंड एडमिस्ट द ऑर्डरली रॉ बुशेस बिजली मूव डॉल लाइक फिगर्स इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ कॉल चिमनीज। तो छोटे चाय के पौधों को बोना कहते हुए लंबे है ना जो छायादार पेड़ थे और बीच में तकरीब से लगी झाड़ियों के कतार में गुड़िया जैसी हिलती आकृति थी, चाय के पत्ते तोड़ने वाली स्त्रियां, कुछ दूरी पर एक भद्दी इमारत थी जिसकी लंबी चिमनियों से धुआं तरंग की तरह लड़। तो ये बाहर में सीन देख रहा कि चाय का बहुत सारा बागान है ना, इतना पेड़ है चाय का पेड़, बाकी सबको मैंने छिप जा रहा था बाकी पेड़ चाय का पेड़ के सामने। ठीक है बच्चों, और क्या था, कुछ महिला जो है क्या कर रही थी, वो ये बैक साइड में टोकरी लेके चाय का पत्ता तोड़ भी रही थी। देखे हो कभी टीवी में है ना, वो संगीत में है ना, कश्मीर में तू कन्याकुमारी। और क्या था, एक जगह देख रहा कि चिमनी से धुआं भी निकल रहा। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एट ब्राउडा पे प्लांटेशन। अब सुनिए, प्रांजल जो था ना, जो पैदा ही आसाम में हुआ, वो तो दिन भर वही देखता था चाय का पौधा। डिडेंट शेयर राजवीर देखता, तो राजवीर राज इतना खुश था, वो कभी नहीं देखा था चाय का पौधा, तो एक्साइटमेंट कौन था राजवीर, लेकिन प्रांजल एक्साइटमेंट था नहीं, वो उतना खुश नहीं, वो आराम से मैंने एकदम रिलैक्स था वो। हे आ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटली, बहुत खुश होकर बोला, ए देखो चाय का बागान, ओ दिस इज ए टी कंट्री नाउ। अरे अब हम लोग तो है ना चाय का मैंने एरिया में है ना पहुँचने वाले। ही सेड आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। अब ये राजवीर ही बता, राजवीर देखा नहीं लेकिन नॉलेज किसका ज़्यादा है, राजवीर का। अब प्रांजल तो पला ही बड़ा है, उसको नॉलेज का टेंशन ही नहीं है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। ये बोल रहा कि पूरी दुनिया में जो है ना सबसे एक जगह एक मैंने एक एक जगह ज़मीन में सबसे ज़्यादा चाय का पौधा जो है ना पूरी दुनिया में आसाम में उगता है। ये रियल बात है। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर ए लाइफ टाइम। मैंने बोला हमको जितना आज टाइम मिला था तो चाय के बारे रिसर्च करके आए हैं है ना। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी है ना। तो राजवीर बोलता कि हम जो है चाय के बारे पढ़ के आए, जानकारी लेके आए। राजवीर बोलता नो वन रियली नो हु डिस्कवर्ड टी। और राजवीर फिर जानकारी देता, मैंने चाय के बारे बुक में ये पढ़ के आया, तो ये कहानी बताता कि नो वन रियली नोज, मैंने किसी को सचमुच में नहीं पता कि चाय की खोज कैसे हुई, बट देर आर मेनी लीजेंड्स, लेकिन इसके पीछे ढेर सारा कहानी है। मैंने पुराना ज़माने से चली आ रही कहानी को लीजेंड बोलते, क्या बोलते, पौराणिक कथा। तो ये बोलने लगता, तभी बोलता कौन, प्रांजल बोलता अच्छा व्हाट लीजेंड, कौन सा कहानी है बताओ। वेल देयर्स द, तो बोला देखो पहला कहानी सुनो, देयर्स वन अबाउट द चाइनीज एम्पायर। एक तो चाइना का बादशाह था, वो ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, वो हमेशा जो है ना पानी पीने से पहले उसको उबाल के पीता था। वन डे फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर। एक बार क्या ना कुछ पत्ती जो है गर्म पानी में गिर गया है ना, अरे उसको पिया तो उसको बहुत स्वादिष्ट मैंने फ्लेवर आया, मैंने अच्छा फ्लेवर लगा। इट इज सेड, कहा जाता कि वो चाय के पत्ते थे, कैसा था है ना। तो मैंने किसी स्टोरी में कि इस तरह से चाय शुरुआत हुआ, ये पहला कहानी हो गया। टेल मी अनदर, प्रांजल बोला अच्छा दूसरा कहानी बताओ, तो दूसरा कहानी क्या है चाय के बारे, चाय कैसे शुरुआत हुआ। बोला वी हैव एन इंडियन लीजेंड टू, बोला हम लोग के पास एक इंडियन हिंदुस्तानी पौराणिक कथा है, बोधि धर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक। आपने इसके सिनेमा भी देखे होंगे। तो बोधि धर्मा बोरा एक प्राचीन जो है ना बुद्धिस्ट था, बोध भिक्षु था, ठीक है, एसेस्टिक मैंने क्या था भिक्षु। कट ऑफ हिज आईलिड बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन। तो ना ध्यान लगा रहा था
ईश्वर को याद कर रहा था तो बार बार उसका नींद में खलल डाल रहा था, तो गुस्सा से क्या होना, ये जो आँख का जो पलक है ना उसको काट के फेंक दिए जमीन में, ठीक है, काट के फेंक दिए, और समझे। ऐसे हम लोग इसका नहीं पढ़े थे, क्या नाम है, एकलव्य का, जो उसका गुरु जो है द्रोणाचार्य बोला था ना कि तुम अगर हमको गुरु मानते तो अंगूठा काट के दे दो, तो गुरु का मैंने कहना ख़त्म भी नहीं हुआ और उतना देर से ही काट के दे दिया, समझे कि नहीं। तो ऐसे हुआ, तो ये भी ईश्वर का ध्यान से मैंने नींद आ रहा था तो, है ना, अब 24 घंटे ध्यान में रहेगा तो नींद तो आएगा, है ना। तो क्या किया, वो पूरा अपने पलक को ही काट दिया। 10 प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, तो क्या ना वो जो आँख का जो है ना ये जो पलक है उसको आईलिड्स को काट के जो फेंक दे, वहाँ पर ही 10 चाय का पौधा उग गया, है ना, रब की मर्जी से, ईश्वर की मर्जी से। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट व्हेन पुट इन हॉट वाटर, और ये सब पौधा का जो पत्ता को जब है ना गर्म पानी में रख के पिया जाता तो बेनिश्ड स्लीप, तो नींद बोरा गायब हो जाता, नींद भाग जाता, होता है ना इसे कभी कभी, मतलब होता है ना कि नींद लग रहा, नींद लग रहा, चाय पी के एक बार नींद फट जाएगा तो उतना जल्दी से नींद नहीं आएगा। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, फिर बताता राजवीर बोलता कि चाय जो है ना पहला बार चाइना में पिया गया, कहाँ पिया गया, एज फार बैक एज 2700 BC, लगभग 2700 BC में, बीसी मतलब क्या, ये इंग्लिश कैलेंडर से 2700 साल पहले, यानी कि अभी 2000 कितना 24 चरण है, उसमें 2700 जोड़ दीजिए, है ना, तो लगभग 5000 साल पहले, है ना, पहला बार चाय पिया गया। इन फैक्ट वर्ड सच एज टी, और सच में देखा जाए तो वो ना टी माने चाय, है ना, एंड चीनी, ये सब चाइनीज वर्ड है, चाइनीज लोग ना चेंग चो चिंगली सिनपिंग जी ये सब बहुत बोलता है ना, है ना, चाची चेंग चो ये बहुत बोलता है लोग, है ना। चाइनीज सिनेमा में कभी कभी सुने चाइनीज भाषा में बातचीत, है ना, और चाइना में जो है ना माने कोई भी इंसान माने बाल नहीं काटता है वहाँ, क्या नहीं काटता, माने नॉर्मल इंसान सरकार का बिना परमिशन बाल नहीं काट सकता, तो आदमी औरत का बाल जैसे बढ़ के एकदम पैर तक जाएगा ना, तो इसको ऐसे मोड़ के क्या करता, गांड बांध के रखना पड़ता, क्या करना पड़ता, गांड बांध के रखना पड़ता, क्योंकि उसको जुर्माना देना पड़े। हम लोग इंडिया में क्या है, हेलमेट नहीं पहना तो फाइन है, वहाँ पर ही बाल काटने से फाइन है, ठीक है। तो देखोगे चाइना का अगर सिनेमा सीरियल देखे होंगे तो देखोगे बाल सब बांधा हुआ ऐसे करके रहता, कितना भी हीरो वीरो का नहीं, बाल बांधा बड़ा बड़ा बांधा हुआ रहता, रीजन वही है, वहाँ फाइन है जुर्माना, ठीक है, क्योंकि चाइना क्या पूरी दुनिया से में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है और वहाँ हर इंसान बाल काटेगा तो है ना 150 करोड़ आदमी का इतना बाल हो जाए कि है ना पूरा गंदगी फैल जाएगा, और जानते हैं ना कहीं कोई भी खाने का चीज़ में अगर बाल थोड़ा सा गिर जाता तो किसी को भी खाने मन करेगा नहीं ना, उसमें ज़्यादा मैंने ये हो जाता है घिरन हो जाता मैंने, है ना, एलर्जी। टी केम टू यूरोप ओनली इन 1600, बोरा चाय जो है ना मैंने चाइना में इतना दिन तक राज बना रहा 5000 साल पहले, लेकिन बोरा यूरोप में इंग्लिश बोलने वाला कंट्री में जब पहुंचा 16वीं सदी में पहुंचा, मैंने आज से अभी 21वीं सदी चल रहा, मैंने 400-500 साल पहले, एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज, लेकिन जब ये जो यूरोप में जो पिया जाता था मैंने इंग्लैंड में हॉलैंड में है ना आयरलैंड में, तो वहाँ पर ही क्या होता कि ये मैंने चाय के रूप में दवा के रूप में पिया था, किसके रूप में, दवा के रूप में। द ट्रेन क्लेटर्ड इंटू मरियानी जंक्शन, अब ट्रेन जो है ना मरियानी जंक्शन में पहुंच गया, कहाँ पहुंचा, मरियानी जंक्शन स्टेशन पहुंचा। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, ये दोनों लड़का क्या हुआ अपना सामान को है ना जमा किया, एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म में लोग है ना निकलने लगा, मैंने ट्रेन रुक गया, ट्रेन से लोग उतर गया, समझ में आ रहे बच्चों, यस नो, खुशबू आई अंडरस्टैंडिंग। प्रांजोल्स पेरेंट्स वेयर वेटिंग फॉर देम, प्रांजोल के माँ बाप जो है ना मैंने उन लोगों का इंतजार कर रहा था, समझे कितने अच्छा मम्मी पापा है ना, उन लोग खुश भी है कि मेरा बेटा का एक दोस्त आ रहा है ना दिल्ली से आ रहा जो साथ में पढ़ता है, उसके पापा मम्मी से भी फ़ोन में बात होता होगा, है कि नहीं, तो ये कार से रिसीव करने हैं उसके पापा और मम्मी दोनों, है ना, एक बेटे को और एक बेटे के दोस्त को, है ना, उनका बेटा कौन है, नाम क्या उसका, प्रांजोल, जो आसाम में पला बड़ा, पढ़ता कहाँ है, दिल्ली में, है ना, और उसका दोस्त का नाम क्या है, राजवीर, वो कहाँ का रहता है, दिल्ली में। प्रांजोल्स पेर सुन दे वेर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियाबाड़ी, अभी लोग जो है ना कार में बैठ के जो है ना कार को चलाते हुए ढेकियाबाड़ी की तरफ आने लगा, किधर, है ना, देखो बांग्लादेश और आसाम में ना बंगाली भाषा चलता, क्या चलता, शुद्ध बंगाली भाषा चलता है, बात समझे ना, तो ये सब नाम मिलेगा, ढेकियाबाड़ी बंगाली वर्ड लग रहा ना, ठीक है, तो ढेकियाबाड़ी जगह का नाम उधर चला गया। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजोल फादर, और वो इतना बड़ा जो चाय का गार्डन था इसको मैनेज कौन करता था, प्रांजोल के फादर मैनेज करते थे, मैनेजर था मैंने, उसके अंदर कितना स्टाफ होगा, 200-400,
एन आवर लेटर द कार बियर्ड सापरी ऑफ द मेन रोड, एक घंटा बाद एकदम मेन रोड में आ गया है ना। दे क्रॉस्ड ए केटल ब्रिज है ना, फिर एक ठो जानवर पार होने वाला एक ठो मैंने पुल पार किया एंड इंटर ढेकियावाड़ी टी स्टेट। और ढेकियावाड़ी जो चाय का पूरा बागान है स्टेट मैंने पूरा है ना बागान है, वहाँ अंदर चला गया कार। ऑन बोथ साइड ऑफ द ग्रेवल रोड, तो रोड का दोनों साइड में वेयर अपॉन एकड़ ऑफ एकड़ टी बुशेस, मैंने एकड़ों एकड़ में जहाँ तक नजर जा रहा है, एकड़ों एकड़, एक एकड़ कितना 60 कट्ठा होता, तो एकड़ों एकड़ में क्या होता कि पूरा फैला हुआ क्या चीज चाय का बागान, जिधर नजर जा रहा सब तरफ चाय का बागान, चाय 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 है ना, बात समझे। इधर चाय का है ना पेड़, उधर चाय का पेड़ है ना, ऑल नीटली प्रोन टू द सेम हाइट, हर कोई मतलब है ना एक समान हाइट का था, ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर, और देख रहा कि नहीं बहुत सारी औरत पूरा ग्रुप झुंड के झुंड है ना, विद बम्बू बास्केट ऑन देयर बैक, पीठ में बांस का टोकरी लगा, वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन, और प्लास्टिक का एप्रॉन पहना हुआ ताकि वो गंदा नहीं हो। वेयर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव, और क्या हो रहा ये लोग जो नया नया पत्ता मने जो ताज़ा ताज़ा बेहतर वाला पत्ता को उखाड़ के टोकरी में डाल रही थी, ठीक है, वो लोग सिर में भी एक कपड़ा पहनती है ताकि सिर में, और ऐसे एप्रॉन पहनने का रीजन क्या है कि तक उन लोगों को डस्ट नहीं लगे, कोई कीड़ा उड़ा नहीं लगे है ना। प्रांजल फादर स्लो डाउन टू एलो ट्रैक्टर, प्रांजल फादर अपना कार को थोड़ा धीमा किए एक तो ट्रैक्टर पार हो जाने के लिए, पुलिंग ए ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, और उसमें क्या था वो ट्रैक्टर में पूरा चाय का मैंने है ना पूरा लोड लगा था, चाय का गांच का पूरा लोड भरा हुआ था सामान। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड एजेंट मिस्टर बरुआ, तो राजवीर फिर बोलता है उसके पापा को, प्रांजल पापा को, कि बोला ये जो है ना दूसरा है मैंने चाय का पत्ती खिलने का मैंने दूसरा टाइम है, साल का दूसरा बार है ना, क्या मैं सही बोल रहा हूँ मिस्टर बरुआ, यानी कि प्रांजल के पापा का नाम क्या था मिस्टर बरुआ है ना, कितना सुंदर है बरुआ। आह ओ राजवीर आस्क इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड इल्स द बेस्ट टी, फिर राजवीर बोलता है ये बोरा मई से जुलाई में हो जाता और इसमें एकदम बहुत अच्छा क्वालिटी का चाय है ना, यानी कि चाय पत्ती मिलता है। आ रहा समझ बच्चों, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजल फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजल फादर थोड़ा हैरानी में बोले, थोड़ा खुश होकर हंस के बोले कि बेटा ऐसा लग रहा है कि आप आने से पहले अपना होमवर्क करके आओ, पूरा जानकारी लेके आओ, आप जो भी बोल रहे हो पूरा सही सही बोल रहे हो है ना, तो सही में वो बुक पढ़ गया है ना, यस या नो, यस मिस्टर बरुआ बोल रहा, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर बोलता है बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, लेकिन मुझे उम्मीद है कि गर्मी की छुट्टी में 20-25 दिन यहाँ छुट्टी मनाएंगे तो और बहुत सारा चीज़ हमको सीखने मिलेगा। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होता, इसका स्टोरी का फिर से बोल दो बच्चे लोग, राइटर का नाम क्या है, अरूप कुमार दत्ता। तो इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होता, तो गाइज एंड स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी टाइप्स ऑफ कमेंट देन प्लीज़ कमेंट मी ऑन कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बच्चों, आप लोगों को सभी को समझ में आ गया, यस नो, कहानी कैसा लगा, इंटरेस्टिंग ना, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, थैंक यू।